अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ है, इन इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी, मतलब इक्वल सेट बताना है कि ये ए और बी हमारे, सॉरी ये ए और बी हमारा इक्वल सेट है या नहीं। अब इक्वल सेट क्या होता है, तो देखो मैं तो रिविजन करवाऊंगा ही, और ये देखो क्या लिखा हुआ है इक्वल सेट के लिए, सेम एलिमेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाके वो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो देखो पहले मैं लिख लेता हूं ए। अब ए है क्या मेरा, देखो ए है मेरा ए बी सी डी, और बी है डी सी बी ए, सेम एलिमेंट्स ए ए बी बी सी सी डी डी, सेम एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ वो भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आंसर क्या आएगा, यस yes, मतलब ए इक्वल्स टू बी है फर्स्ट में, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी। ओके, अब देखो सेकेंड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू, मैं फटाफट लिख लेता हूँ, 4 8 12 16, और बी क्या है 8 4 16 18, सेम एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखो यहाँ पे 16 और यहाँ पे एक 18 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट्स नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, नो no. तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ओके, आया समझ में। अब देखो थर्ड पार्ट, ए इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या है, 2 4 6 8 10। ओके, अब देखो यहाँ पे एक समझने जैसी चीज है, बी बी यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, बी को हमें वो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, और मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रोस्टर फॉर्म में। तो इंटीजर मेरे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बट यहाँ पे देखो एक चीज क्या बोलिए, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स ही लेने, मतलब कि क्या आएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सेट ए, ये आ गया मेरा सेट बी। अब मुझे बताना है कि मेरा सेट ए इक्वल्स टू सेट बी है या नहीं, तो क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स और सेम नंबर, तो देखो 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, सेम एलिमेंट्स है सेम नंबर है, तो क्या होगा ए इक्वल्स टू बी। ओके, आया समझ में। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा पार्ट थ्री। अब देखो इसका लास्ट पार्ट फोर, तो देखो अब इसका लास्ट पार्ट क्या है, ए इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मैं इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लेता हूँ। सबसे पहले क्या बोला, एक्स इज सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो बच्चों मुझे बताओ मल्टीपल ऑफ 10 क्या आएगा, 10 20 30 40 50, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, ये चलता ही रहेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है। तो ये है मेरा सेट ए, और मेरा सेट बी क्या है, 10 15, इसको अच्छे से बना लेता हूँ, 10 15 20 25 30, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों मेरे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 10 के बाद डायरेक्ट 20 आ रहा है, बट ये देखो यहाँ पे 10 के बाद क्या आ रहा है, बीच में 15। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी 5 वाला है ही नहीं, यहाँ पे सब 10 के मल्टीपल्स है, और यहाँ पे तो कुछ और ही है, मतलब ए मेरा नॉट इक्वल्स टू बी आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे सामने, क्या लिखा हुआ है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सेट्स इक्वल, क्या ये मेरा सेट ए और मेरा सेट बी इक्वल है या नहीं वो बताना है, और गिव रीजंस। ओके, तो देखो सेट ए तो हमें एकदम प्यार से दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, अब बी के लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच डेट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल्स टू 0, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो है वो ये सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके निकलेगी। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड 10th में, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल्स टू 0, तो कुछ नहीं करना, सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे,
एक्स स्क्वायर, ये 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ पे एक और एक बात, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना नहीं आता तो मैंने वैदिक मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक बता दिया, वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x प्लस 3, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब हमारे रूट्स क्या हैं, x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, दोनों इक्वल्स टू 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस 2 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 3। मतलब b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2 माइनस 3, और a की वैल्यू क्या है, प्लस 2 प्लस 3। तो क्या ये दोनों इक्वल है, एक तो मेरा माइनस में और एक हमारे प्लस में, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि दे आर नॉट इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, द सेट्स आर नॉट इक्वल। और रीजन क्या देंगे, बिकॉज बोथ द सेट्स हैव डिफरेंट वैल्यू। ओके, तो ये था इसका पार्ट वन। तो बच्चों देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ओके, तो ये फॉलो का मुझे सबसे ये फॉलो का मुझे सेट बनाना है, ठीक है, बना लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ ए, तो पहले तो मेरा आ जाएगा एफ, फिर ओ, फिर एल दो बार आ रहा है तो कितनी बार लिखूंगा, यस, वन टाइम। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में हमने पढ़ा था सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, तो ये L, L के बाद वापिस O, तो O तो मैंने लिख दिया, फिर क्या आएगा W, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा W, तो ये आ गया मेरा सेट A। अब देखो सेट B, अब देखो सेट B, Y is such that Y is a letter in the word wolf। ओके, तो पहले तो आएगा W, फिर O, L, F, इसमें सारा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सब एक ही टाइम आ रहा है। तो देखो क्या ये सेट ए और सेट बी इक्वल है, इक्वल के लिए मैंने क्या बताया था, सेम एलिमेंट सेम नंबर, तो पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम नंबर, तो अब सेम एलिमेंट एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्लू डब्लू, तो सेम एलिमेंट सेम नंबर, तो यस ए इक्वल्स टू बी। और रीजन क्या देना है, रीजन यही देना है, बोथ द सेट हैव सेम एलिमेंट्स एंड सेम नंबर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखो अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का सबसे इजी क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज में। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब वही सेम एलिमेंट सेम नंबर। तो देखो पहले ए, ए क्या लिखा हुआ है, 2 4 8 12, तो इसके जैसा और कोई सेट है क्या, ये तो 1 2 3 4, तो ये तो नहीं आएगा। सी 4 8 4 8 12 भी है पर यहाँ पे 14 नहीं है, देखो यहाँ पे 14 है पर इधर 14 नहीं है, तो सी भी नहीं आएगा। फिर डी के साथ भी ये मैच नहीं हो रहा है, ए ई के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, ए एफ के साथ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर देखो बी को, देखो बी क्या है, 1 2 3 4, अभी 1 2 3 4 कहाँ पे, ये रहा देखो 1 2 3 4, तो एक पैर मुझे मिल गई, B इक्वल्स टू D, तो ये एक मेरा हो गया इक्वल सेट, ठीक है, B इक्वल्स टू D। अब और क्या है, अब C देखो 4 8 12 14, इसका कोई पैर है क्या, नहीं है, D का तो हमने ऑलरेडी कर दिया। E माइनस 1 प्लस 1, ये रहा 1 और माइनस 1, देखो E और G, E इक्वल्स टू G, ये हमारी सेकेंड पैर बन रही है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल सेट है। फिर F देखो 0 A, यहाँ पे 0 1, बस और कुछ भी नहीं बन रहा है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू D और E इक्वल्स टू G, और वही हमको पूछा है कि फ्रॉम द गिवन बिलो सेट विच सेट्स आर इक्वल, तो ये दोनों सेट्स हमारे आ जाएंगे इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3।